पहली रेखा जो कि आपके बाल से ठीक नीचे यानी सर के जो बाल है उससे ठीक नीचे जो सर्वप्रथम रेखा उभर के आएगी वो आपके शनि की रेखा होगी जो कि ललाट की रेखाएं होंगी। ये रेखा जितनी ज़्यादा सुस्पष्ट जितनी ज़्यादा क्लियर जितनी ज़्यादा ज़्यादा सीधी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान होगी बिना खंडित हुए यानी कि बिना ब्रेक किए हुए बिना कटी फटी रेखाओं के साथ संयोग किए हुए ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर कार्य करती है। ये अगर पूर्ण तरीके से सीधे है तो व्यक्ति का जीवन भी उसी प्रकार से सामान्य स्थिति से आगे की तरफ बढ़ने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा धनुषाकार होती जाती है आपका जीवन भी उतना ही कलात्मक होता चला जाता है और विभिन्न तत्वों के द्वारा विभिन्न चीज़ों में समावेश के द्वारा और अलग अलग कार्य पद्धति के द्वारा आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमानी, लोगों से किससे कैसी बात करनी चाहिए, सामंजस्य कैसे किसके साथ बिठाना चाहिए और किस परिस्थिति में हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये सारे गुण उस समय आपके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। देखो किसी के भी ललाट पे रेखाओं की अगर बात करें तो सारी रेखाएं होती हैं, रेखा एक भी ऐसी नहीं है कि जो ना हो, दिखे या ना दिखे ये दूसरी बात है लेकिन वो होती जरूर है। जैसे काठ में एक लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन वो दिखती नहीं है, वो दिखती कब है, जब उसका घर्षण होता है या जब उसमें अपमाचिस की तिल्ली लगाते हैं उस समय उससे अग्नि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि सारी रेखाएं आपके ललाट पे होती हैं लेकिन कुछ दृष्टिगोचर होती है कुछ नहीं हो पाती है, तो जितनी ज़्यादा दृष्टिगोचर होगी उतनी ज़्यादा ये आपके लिए आपको प्रभावित करने का यहाँ पे कार्य करती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी होगी या कहीं से टूटी फूटी होगी तो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लाएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लाएगी, उनके व्यवहार में काफ़ी तब्दीली को लाएगी जो कि आम व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा कई दफ़े। इसके अलावा आर्थिक तौर पर उनके लिए परेशानी की स्थिति को पैदा करेगी। यहीं अगर ये बिल्कुल महीन हो या बिल्कुल ना दिख रही हो तो एक सामान्य परिस्थिति को दिखा है जिसमें व्यक्ति को कर्म योग से आगे की तरफ बढ़ने की सलाह देना उचित है। इसके अलावा द्वितीय हम बात करें गुरु की रेखा की तो इसकी स्थिति क्या है, ये जितनी ज्यादा सुस्पष्ट जैसा कि इसके बारे में हमने बात करी होगा ये व्यक्ति उतना ज्यादा भगवत परायण होगा, उतना ज्यादा सच्चरित्र का होगा, अच्छे विचारों का होगा, अच्छे पदवी वाले होगा, अच्छे संस्कारों का पोषण करने वाला होगा, प्रतिष्ठा वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, किसी के लिए बुरा सोचने वाला नहीं होगा। और इसमें अगर खंडित की स्थिति आ जाती है किसी प्रकार के दोष की स्थिति आ जाती है तो जो भी गुण बताए गए हैं उनमें कमी आ जाएगी और व्यक्ति कहीं ना कहीं चीजों को सोचेगा लेकिन कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाएगा, बहुत बार पीछे हट जाएगा, बहुत बार उस पर डर हावी हो जाएगा, बहुत दफे वो पीठ पीछे बहुत कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो ऐसे सारे गलत चीजें उसके अंदर विद्यमान होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर नीचे की बात करें मंगल की रेखा अगर स्थिति और सुस्पष्ट हो तो ये व्यक्ति काफी प्रतिभाशाली होता है, काफी साहसी होता है और बड़े बड़े पराक्रम ये लोग करने वाले होते हैं, जीवन में काफी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं, कहीं भी नहीं डरते, जितने बड़े बड़े साहसिक कार्य होते हैं इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, खासकर जितने डिफेंस सर्विस रिलेटेड कार्य हैं या पुलिस रिलेटेड कार्य हैं या बड़े प्रशासनिक कार्य हैं उन सब में इनकी ख्याति काफी देखी गई है और उन सब क्षेत्रों में ये अपने आप को आगे लगाते हैं। दुर्भाग्य से और इससे अच्छा आप नहीं कर सकते लेकिन ये रेखा अगर बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है और इसके साथ शनि की रेखा प्रबल हो जाती है तो ऐसे लोग कुछ गलत कार्यों की तरफ भी बढ़ते हैं और वहाँ भी ये लोग अपने पराक्रम का झंडा गाड़ते हैं, हालांकि उससे मानवता का ह्रास होता है और वो लोग बड़े गैंगस्टर एटसेट्रा वगैरह के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाते हैं, हालांकि ये गलत है, इससे लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इससे और क्या लाभ होता है तो ऐसे लोग बोलने में बड़े ही कई दफ़े आप देखेंगे बहुत मीठा बोलेंगे, कई दफे ऐसी लठमार भाषा बोलेंगे कि मतलब उसकी आवाज सुन के ही गिर जाओ, ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा धन संपत्ति ऐश्वर्य इनके पास काफी ज्यादा होता है, भोग विलास की स्थिति इनके जीवन में काफी ज्यादा आती चली जाती है, लेकिन अगर ये व्यक्ति अब घमंड में आ जाए, इनके साथ ईगो आ जाए तो वहां से इनका पतन शुरू हो जाता है और इनके लिए परिस्थितियां मुश्किल हो जाती है। वहीं पर अगर ये रेखा बिल्कुल टूटी फूटी हो तो कुछ समय आपको बहुत लाभ देगी, कुछ समय बहुत नुकसान की तरफ ले जाएगी, स्त्रियों से आपके लिए नुकसान की घंटी हमेशा बजती ही रहेगी तो काफी सावधानी से आगे बढ़ना इस समय व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा शुक्र यानी कि वीनस, वीनस की लाइन आपकी, देखो वीनस की लाइन, मंगल की लाइन और गुरु की लाइन, इन तीनों में एक और चीज खासियत आप देखेंगे कि मध्य के क्षेत्र में किनारे में कई बार आपको नहीं दिखेगी लेकिन इस मध्य के क्षेत्र में आपको स्पष्ट तौर पर दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी ऐसे करते हुए चलते हुए दिखनी शुरू हो जाएगी। ये एक सामान्य अवस्था है, ये जब भी व्यक्ति के जीवन में बने ना तो ये सीधा समझ लो कि ये व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ लेता
बढ़ता चला जाएगा। कर्मयोगी आदमी है, जितना कर्म करेगा उतना बेहतर करेगा। किस्मत का समय समय पर साथ मिलेगा, वो आपको डिपेंड करता है आपके लेफ्ट के चंद्र और राइट के सूर्य के आधार पे कि ये दोनों किस तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि ये दोनों जितने ज़्यादा पुष्ट अवस्था में यहाँ पर होंगे आपके लिए उतनी ही ज़्यादा परिस्थितियों को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, अपॉर्चुनिटी को आपके पास लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये सब खिल के उसे आपके पक्ष में करने का वहाँ पर कार्य करेंगे। तो जब ये तीन रेखा बस इस क्षेत्र में स्पष्ट दिखे ना, तो ये भी आपके लिए सामान्य रूप से बेहतर है, जो कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर शनि का ऊपर वाला ये तीनों यहाँ पे हो और शनि के ऊपर वाला भव्य हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ऊपर तक लेके आपको चला जाएगा, चाहे उस समय काफ़ी निम्न ही क्यों ना हो, बहुत ही कम दिख क्यों नहीं रहा हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला होगा। इसके अलावा एक और चीज़ पे ध्यान देना कि आपके बाईं तरफ या दाईं तरफ किस तरफ ज़्यादा निशान है। अगर इस तरफ ज़्यादा निशान होंगे तो आप उतने ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, उतने ही ज़्यादा निखर के आएंगे, उतने ही ज़्यादा दिखेंगे। आपके पास पैसा हो वो भी दिखेगा, आपके पास बल होगा वो भी दिखेगा, जो भी होगा दिखेगा। आपसे लोग जलेंगे तो वो भी दिखेगा, आपका कुछ भी करोगे तो दिखेगा, जो भी करोगे ना लाइट में आ जाओगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं होंगी तो इस समय क्या होगा, होगा आपके पास बहुत कुछ लेकिन गुप्त रूप से होगा, कोई जान नहीं पाएगा कि यार ये तो नटवर लाल है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति को पैदा करने की स्थिति ला देता है। शुक्र की यहाँ पर स्पष्ट तौर पे होंगी, इससे क्या होगा कि भोग विलासिता भरी पड़ी रहेगी, विपरीत लिंग के प्रति पिपासु रहेंगे, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, धन संग्रह करने की भरपूर कोशिश करेंगे, इन केन प्रकार इन किसी भी तरीके से धन प्राप्ति, धन संपत्ति, भूखंड, गुप्त धन वगैरह चीज रखने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा रिश्तों में रहने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बड़ा कहलाने की एक आपके अंदर हमेशा इच्छा बनी रहेगी कि लोग मुझे बड़ा कहें, और विभिन्न प्रकार के बिजनेस में निवेश करने की कोशिश में आप बढ़ेंगे। वहीं पर अगर एक खंडित रहेगी तो निवेश करके आप नुकसान में चले जाएंगे, कोई आपका धन ठग लेगा, कहीं से हानि हो जाएगी, जैसी स्थिति आती रहेगी। इसके अलावा वाहन संबंधी और कपड़े संबंधित कार्यों में भी आपकी रुचि काफ़ी ज़्यादा जागृत हो जाती है, वहाँ से भी आपके लिए अच्छे योग बन जाते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट वगैरह से भी आपके लिए कमाई की स्थिति खुल जाती है। उसके बाद अगर बुध की नीचे हम इस क्षेत्र की बात करें तो देखो, बुध के होने से क्या होता है कि बुद्धि को ये कहीं ना कहीं से प्रभावित करने का कार्य करेगी और आपके अंदर बोलने की कला को विकसित करेगी। इसके अलावा व्यवसाय में आपकी प्रगति को दर्शाने का कार्य करेगी, व्यवसायिक बुद्धि आपकी काफ़ी बेहतर होती चली जाती है। इससे ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में और एक वक्ता के रूप में, एक कथावाचक के रूप में आप अपने आप को साबित करने की स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि धर्मपरायण व्यक्ति हो, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करेगा, गुड विज्ञानों का अध्ययन करेगा, इन चीज़ों का प्रचार करेगा, उन चीज़ों में आगे की तरफ जाएगा, इतिहास में जाएगा, भूगोल में जाएगा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेगा। बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो दुनिया में काफ़ी नाम कमाएगा, बुद्धि को विकृत कर लेगा तो उस परिस्थिति में इसका जीवन अपने आप कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है। अब चंद्र यहाँ पर जितनी चाहते थे, चंद्र की क्या है, पूरी भौं के ऊपर इस रूप में यहाँ पे आपके मौजूद रहेगी, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है या नहीं। ये जितनी ज़्यादा स्पष्ट और ध्वंसाकारी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर होगी, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सबको एक तरीके से सबकी डोर बिठाए होते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं कि आपको जीवन में कहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। सब कुछ है लेकिन मौका मिलेगा तब ना कुछ करोगे, बस वही बात है। ये मौका देने का यहाँ पे कार्य करेंगे और आपको आगे की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे, तो इसे भी देखना अनिवार्य हो जाता है। तो कम शब्दों में संक्षेप में हमने आपको ये बता दिया है, ये बहुत विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए कई सारी वीडियोज हमने बनाई, लेकिन क्या है कि वीडियो के द्वारा इन चीज़ों को पूर्ण रूप से समझ पाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मोटे मोटे तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जानते हो इसके बाद भी क्या है कि इसमें सीधे आपके यहाँ से दो रेखा आती है, कुछ रेखा ऊपर तक चली जाती है, ये विष्णु तिलक की स्थिति पैदा करती है, इसका अलग फल है। जब ये रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक खंडन नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी कटती हुई दिखती है, इसका फल अलग तरीके से आता है। बीच में कोई रेखा निकल गई, इसका फल अलग तरीके से आता है। और जब भी ये सीधी रेखा सामने से काटे ना, ये बहुत ही सुंदर होता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में पतझर, सावन, बसंत सब देख के और जीवन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते चले जाते हैं और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं चुपचाप, कई बार गुमनामी के अंधेरे में, कई बार चहकते हुए, कई बार चमकते हुए, लेकिन जिंदगी के कई दौर से गुजरते हैं। लेकिन इन रेखाओं के साथ ऊपर की रेखाओं की क्या स्थिति है, ये देखना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति कितना विकास कर रहा है, कितना करेगा और इसके जीवन में क्या क्या है।
मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।